हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सुपर डीम जय में स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लेके आए साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन आंसर, जो दोस्तों ऑल एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन आंसर सीरीज का पार्ट नंबर 36 है। इससे पहले से भी पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके आप सभी पार्ट देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे नए वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको एक लाइक करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन फर्स्ट है, क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया था, क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया था तो किसने किया था? जगदीश चंद्र बोस ने किया था। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने आपको कल करवाया था कि क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया, तो क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया है जगदीश चंद्र बोस ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, रडार का पूर्ण रूप होता है, रडार का पूर्ण रूप होता है तो क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। ठीक है दोस्तों, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसमें पूछा गया दोस्तों, पदार्थों की अम्लीयता व क्षारीयता का आकलन किया जाता है, पदार्थों की अम्लीयता व क्षारीयता का आकलन किया जाता है तो किस पे किया जाता है? पीएच पैमाने से किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो पदार्थ होते हैं उसकी अम्लीयता व क्षारीयता का आकलन पीएच पैमाने पर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसमें पूछा गया है, समुद्र में समान लवणता की रेखा को प्रदर्शित करता है, समुद्र में समान लवणता की रेखा को प्रदर्शित करता है तो क्या करता है? आइसोहेलाइन करता है। ठीक है दोस्तों, आइसोहेलाइन जो होता है समुद्र में समान लवणता की रेखा को प्रदर्शित करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन नेक्स्ट है, वाटर जेट तकनीक का प्रयोग किया जाता है, वाटर जेट तकनीक का प्रयोग किया जाता है तो अग्निशमक में। ठीक है दोस्तों, अग्निशमक में वाटर जेट तकनीक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसमें पूछा गया है दोस्तों, हॉरोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, हॉरोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है तो किसका अध्ययन किया जाता है? समय मापन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, समय मापन का अध्ययन किया जाता है हॉरोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन नेक्स्ट है, घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन है, घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन है तो क्या है? ट्राइबोलॉजी। ठीक है दोस्तों, ट्राइबोलॉजी जो है घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसमें पूछा गया है दोस्तों, गति के नियमों का प्रतिपादन किया था, गति के नियमों का प्रतिपादन किया था तो किसने किया था? न्यूटन ने किया था। ठीक है दोस्तों, गति के नियमों का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन नेक्स्ट है, पारसेक इकाई है, पारसेक इकाई है तो किसकी इकाई है? दूरी की। ठीक है दोस्तों, पारसेक जो है वो किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन नेक्स्ट है, एक जूल बराबर होता है, एक जूल बराबर होता है 10^7 अर्ग के बराबर होता है, किसके बराबर होता है? 10^7 अर्ग के बराबर एक जूल होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसमें पूछा गया है दोस्तों, एक वैरल बराबर होता है, एक वैरल बराबर होता है तो क्या होता है? 10 डेसीबल होता है। ठीक है दोस्तों, एक वायरल बराबर 10 डेसीबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन नेक्स्ट है, सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है, सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है तो किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। ठीक है दोस्तों, हाइग्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, न्यूटन के प्रथम गति नियम को कहा जाता है, न्यूटन के प्रथम गति नियम को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है दोस्तों? जड़त्व का नियम कहा जाता है। न्यूटन का प्रथम गति का जो नियम है उसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन नेक्स्ट है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है तो क्या होता है? 0 होता है। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है, यानी स्मॉल जी का मान 0 होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसमें दोस्तों पूछा गया है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है तो परिवर्तनशील होता है। ठीक है दोस्तों, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार परिवर्तनशील होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसमें पूछा गया दोस्तों, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंदें को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होता है? इसमें पूछा गया दोस्तों, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होता है? तो दोस्तों लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। ठीक है दोस्तों, यदि दो समान गेंदें, एक लोहे की है और एक लकड़ी की है, यदि समान भार की है किसी ऊंचाई से गिराई जाए तो दोस्तों लकड़ी की जो गेंद है, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। ठीक है दोस्तों, लकड़ी की गेंद जमीन पर बाद में पहुंचेगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसमें दोस्तों पूछा गया है, निर्वात में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होता है? निर्वात में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर दोनों एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगी। ठीक है दोस्तों, निर्वात में यदि गिराई जाए तो दोनों एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारहीनता होती है, भारहीनता होती है तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में, ठीक है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में भारहीनता होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसमें दोस्तों पूछा गया है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है तो क्या कारण है? पृष्ठ तनाव। ठीक है दोस्तों, पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की जो बूंद होती है गोलाकार आकृति की होती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। तो दोस्तों आपको मुझे बताना मेरा वीडियो को कैसा लगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों अगर आपका कोई कमेंट है, सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, उसका रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। आप दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद दोस्तों।